अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो वेलकम करता हूँ आज के न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी गली दिखाने जा रहा हूँ जो आपने पहले बहुत कम देखी होगी। सो आपको विजिट करवाता हूँ गली का। कि हमारी गली पहले कैसी थी, तो दोनों साइड पे गहरी नालियाँ थी, दरमियान में थोड़ा सा रास्ता था। तो अगर एक बाइक गली में खड़ी होती तो दूसरी बाइक नहीं थी गुजर सकती। तो सब लोगों का मक्खी मच्छर और बदबू से बुरा हाल था। सो 28 अप्रैल 2019 को सब गली वालों को इकट्ठा किया गया, एक मीटिंग की गई। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इस गली की नालियों को ख़त्म किया जाए और अंडरग्राउंड बनाई जाए। तो फाइनली गली वाले सब इस डिसीजन पर एग्री हो गए, तो हमने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। तो सोशल वेलफेयर सोसाइटी मछियाना ने हमारे साथ मुकम्मल तावन किया। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारी गली कैसे तैयार हो। आप देख सकते हैं कोई कागज़ वगैरह नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि हमने हर घर
ऐसी छोटी छोटी जालियाँ लगाई। सो गाइस, जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों ने बोला कि यार ये फेल हो जाएगा, ये पाइप बंद हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 3 साल हो गए, आज तक कोई मसला नहीं आया। ये गली 2,30,000 रुपये में बनी। ये गली इतने पैसों में इसलिए बनी थी ये क्योंकि हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई थी। जो मिस्त्री मजदूर थे वो हमारे गली वाले अपने ही थे। अगर ये गली किसी ठेकेदार को दी जाती तो शायद 5 लाख में मुकम्मल होती। अब मैं आपको बताता हूँ इस गली के बनाने से हमें फ़ायदे क्या हुए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो मक्खी मच्छर और बदबू से निजात मिल गई है। दूसरी बात ये है कि गली खुली हो गई है, यहाँ पे अब कैरी डब्बा, लोडर, रिक्शा वगैरह आ जा सकते हैं। तो तीसरी बात ये है कि अब आंखें बंद करके भी बंदा इस गली से गुजर सकता है। उसकी वजह ये है कि कोई रुकावट नहीं है, जो घर के आगे सीढ़ियाँ थड़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। मेरा मकसद जो आप वीडियो बनाने का होता है वो यही नहीं होता कि आपको गली मोहल्ला दिखाऊँ या स्कूल दिखा दिया, बल्कि हम ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं अपनी मदद आपके तहत। हम गवर्नमेंट को देखते रहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो हम अपनी मदद आपके तहत मुस्लिम लोग मिल के ऐसे छोटे प्रोजेक्ट को हम बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके सामने है, ये भी गली के लोगों ने खुद मिल के बनाया। तो आप भी कोशिश करें गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वो खुद से बनाया करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।